हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, विच इज इम्यूनिटी। एंड मैं स्पेशली आज फोकस करने वाली हूँ एक इम्यूनिटी बूस्टिंग डाइट प्लान पर, जिसमें हम मॉर्निंग ड्रिंक से लेकर डिनर तक हर एक मील प्लान के बारे में बात करेंगे कि आपको इस मील में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, एवरीथिंग। सो अगर आप अपना इम्यूनिटी ग्रो करवाना चाहते हो एंड एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिए, ताकि इस तरह की यूजफुल हेल्थ टिप्स आपको मिलती रहे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉर्निंग ड्रिंक के बारे में। तो सुबह उठते ही एक ग्लास गुनगुने पानी में थोड़ा सा लेमन जूस 1 टेबल स्पून ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, सिनेमन पाउडर मतलब दालचीनी पाउडर एंड थोड़ा सा चिया सीड्स मिला के उसे पी लीजिए। एंड ये ड्रिंक पीने के बाद आप पूरे दिन तक बहुत ही फ्रेश एंड एनर्जेटिक फील करोगे। देन मैं आपको बताती हूँ कि ब्रेकफास्ट में आपको क्या क्या खाना चाहिए। तो देखिए, एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट मील है एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आप कुछ भी ले सकते हो अपने घर का बना हुआ, जैसे पोहा, इडली, डोसा, उत्तपम, चपाती, इसमें से कुछ भी आप ले सकते हैं जो भी आपके घर में गर्मा गर्म बनते हैं। बस याद करके उसमें 1 टीस्पून घी डालना मत भूलिए। तो आप चाहो तो अपने उस घी को आप अपने डिशेस में भी ऐड कर सकते हो या फिर सेपरेटली कंज्यूम कर सकते हो, पर घी को ऐड करना मत भूलिए, क्योंकि घी हमारे गट हेल्थ को और भी हेल्दी बनाता है एंड घी कंज्यूम करने से गैस, एसिडिटी जैसे प्रॉब्लम से भी हमें छुटकारा मिलता है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कोविड के वजह से हमें जो जो हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि वॉमिटिंग, नौजिया, स्टोमैक इन पेन और अनइजीनेस इन स्टोमैक, इस तरह की हर एक प्रॉब्लम हम दूर कर सकते हैं अगर हम अपने डेली डाइट में घी को इंक्लूड करें। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको लेना है एक हर्बल टी जो घर में बना हुआ हो, और उसमें आप डालो अदरक, तुलसी, पुदीना, शहद, ये सब मिलाकर एक अच्छा सा हर्बल टी बनाइए और उसे पीजिए, क्योंकि इसमें है बहुत सारा एंटीवायरल प्रॉपर्टीज जो आपके इम्यूनिटी के लिए आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट अगर बात करें लंच की, तो लंच पर आप कुछ भी ले सकते हो, बस वो खाना सिंपल होना चाहिए एंड इजीली डाइजेस्ट कर सको आप, ऐसे खाना लीजिए, जैसे कि घर में बना हुआ राइस और रोटी, उसके साथ सब्जी, दाल एंड स्पेशली लीफी वेजिटेबल्स, एंड वेरी पर्टिकुलरली कहूँ तो पालंग मतलब स्पिनच को अपने डेली डाइट में जरूर रखिए, क्योंकि इसमें है बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज जो आपके शरीर में इस वायरस को स्प्रेड करने से रोकता है। और अपने डाइट में पोमेग्रेनेट जूस, पाइनएप्पल जूस एंड बीटरूट जूस, इन सबको भी रखिए, क्योंकि इनमें है बहुत सारे नाइट्रेट्स। तो आप अपने डेली जो डाइट है उनमें से हर एक दिन हर एक जूस जरूर रखें। फिर बात करते हैं इवनिंग स्नैक्स की। तो इवनिंग स्नैक्स में आप जैसे कि सीड्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब खा सकते हो, और उसके बदले सूखा भेल, उबले हुए चने, ये सब भी खा सकते हो फॉर अ चेंज। बट ख्याल रखिए कि पोर्शन को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि इवनिंग स्नैक्स हमेशा हल्का होना चाहिए। और अब हम बात करेंगे डिनर की। तो डिनर को जितना हो सके आपको सिंपल रखना है एंड उसके पोर्शन साइज को स्मॉल रखनी है, जैसे कि आप डिनर में कोई भी सूप इंक्लूड कर सकते हो, वेजिटेबल सूप, स्वीट कॉर्न सूप, चिकन सूप, दाल सूप, कुछ भी, और उसके साथ इंक्लूड कीजिए थोड़ा सा राइस और चपाती। फिर आपको सोने से पहले लेना है 1 कप गर्म दूध, जिसमें आपको डालनी है थोड़ी सी हल्दी, एंड ये पीने से आपके शरीर की हॉर्मोन्स हो जाते हैं बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड एंड आपको आती है एक अच्छी सी नींद। एंड ध्यान से सुनिए, अ गुड स्लीप ऑलवेज हेल्प्स अप टू बिल्ड अ स्ट्रांग इम्यूनिटी, जिससे कि आपके शरीर को हर कोई बीमारी से लड़ने की एक शक्ति मिलती है। तो अब मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूं कुछ बहुत ही सिंपल बट बहुत असरदार कुछ टिप्स, जिससे कि आपके इम्यूनिटी को मिलेगा एक जबरदस्त बूस्ट। तो मेरा टिप नंबर ये है कि दिन में किसी भी वक्त आप ये ले सकते हो, और वो ये है
कि एक छोटा सा स्लाइस ऑफ जिंजर मतलब अदरक और एक टेबलस्पून हनी, तो इसे आप दिन में किसी भी वक्त कंज्यूम कीजिए। ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें है एक जबरदस्त एंटीवायरल प्रॉपर्टीज, एंड जिंजर में है जिंजरॉल एंड शोल्डेल, एंड बोथ ऑफ दीज हैव एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेंट्स। तो यही वजह है कि हम सभी को ये जिंजर स्लाइस ऑफ जिंजर, और छोटा सा पीस जिंजर का एंड उसके साथ एक टेबलस्पून हनी कंज्यूम करना ही चाहिए। एंड देन टिप नंबर टू कि दिन में हर 2 घंटे के बाद आपको कोई भी एल्कलाइन फूड कंज्यूम करना है, जैसे कि लेमन जूस, जिंजर, बीट, हनी और द जूसेस एंड लिक्विड्स आई हैव मेंशन बिफोर। तो इन सब खाने से आपकी शरीर एल्कलाइन हो जाएगी एंड यू विल नॉट गेट एसिडिक। देखिए, तो ऐसे कुछ चीजें हैं जिससे कि एसिडिटी क्रिएट हो सकता है, जैसे कि चिली, गरम मसाला, फ्राइड फूड्स, पैकेज्ड फूड्स। तो यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस थिंग्स राइट नाउ इन दिस सिचुएशन। एंड इन सिचुएशन में आपके शरीर में ज्यादा से ज्यादा एल्कलाइन फूड्स होनी चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर माइंड गाइस। तो कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को टेंशन फ्री रखो, रिलैक्स्ड रखो, हैप्पी रहो। पता है अब सभी के लाइफ में बहुत ज्यादा टेंशन एंड स्ट्रेस आ चुका है, बट हम कोशिश तो कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी क्रिएटिव काम कर सकते हो, जैसे कि पेंटिंग करना, गाना सुनना, गाना गाना, डांस करना, अच्छा खाना पकाना। तो जो भी आपको पसंद हो ऐसे कोई भी क्रिएटिव काम से अपने आप को जुड़े रखिए। आप बुक्स पढ़ सकते हो, कुछ भी, जो भी आपको पसंद हो। एंड यू नो व्हाट, योर इमोशन अट्रैक्ट्स द सिमिलर वाइब्स। सो कोशिश कीजिए कि आप अच्छा ही सोचो, तभी आप एक अच्छे को अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी तरफ। सो या, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। एंड आई होप कि ये सब टिप्स आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इसे एक लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइए। एंड मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।